नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर दोस्तों ये हमारा दसवां पार्ट है टेन थाउजेंड एमसीक्यू सीरीज का टीजीटी पीजीटी टी, 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 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं पहला आज का हमारा प्रश्न है कंडक्टेड इवन दो ऑडिटेड तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है अगर अकाउंट्स ऑडिट भी हो जाते हैं तब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो सही जवाब है इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है टू थर्ड मेजोरिटी यानी टू थर्ड मेजोरिटी से पास होना होता है तो यहाँ पर सही जवाब भी है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है मोर देन हाफ यानी आधे से ज्यादा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहा जाता है नेक्स्ट है इफ इंस्पेक्टर हैज नो लीगल पावर टू एग्जामिन एनी पर्सन ही में अप्लाई टू यानी किसी इंस्पेक्टर के पास कोई लीगल पावर तो है नहीं किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए तो वो क्या कर सकता है कोर्ट के तरफ जा सकता है और कोर्ट ऑर्डर देगा उस पर्सन को कि वो उस, उस, उस इंस्पेक्टर के आगे शामिल हो उस इंस्पेक्टर के आ, आ, के आगे अपेयर हो तो यहां पर सही जवाब है कोर्ट नेक्स्ट है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन ऑडिटर ही विल बी डेजिग्नेटेड एज तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसी ऑडिटर को वो स्पेशल ऑडिटर माना जाता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी अपॉइंट करेगा किसी ऑडिटर को वो स्पेशल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा नेक्स्ट है इफ़ एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू स्पेशल ऑडिटर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम यानी कोई पर्सन रिफ्यूज करता है इंफॉर्मेशन फर्निश करने को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल ऑडिटर को नहीं दे रहा है तो ऐसे में और वो भी विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं दे पा रहा है अवेलेबल करा पा रहा है तो पाँच हजार का फाइन लगाया जा सकता है नेक्स्ट है द ऑडिटर अपॉइंटेड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ही शुड गेट इनशंस इन राइटिंग रिगार्डिंग तो देखो जब ऑडिटर अपॉइंट करता है ऑडिटर अपॉइंटेड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन अब उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑडिटर को अब ऐसे में क्या इंस्ट्रक्शन ही शुड गेट इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग उसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिलेंगे राइटिंग में रिगार्डिंग स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या क्या इंक्वायरी करनी है उसे क्या ऑब्जेक्टिव है उस इंक्वायरी का टाइम लिमिट कितने टाइम में वो रिपोर्ट सबमिट करनी है तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं नेक्स्ट है वेरिफिकेशन रेफर्स टू वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है वेरिफिकेशन का मतलब होता है होता है एग्जामिन करना फिजिकल जितने भी एग्जिस्टेंस है एसिड्स की वैल्यूएशन है वो सारी की सारी एग्जामिन करना तो जो भी फिजिकल एसिड्स हैं वैल्यूएशन करना उन सब की और एग्जामिन करके बताना तो ये वेरिफिकेशन का के अंदर आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का उद्देश्य क्या है वेरिफिकेशन का उद्देश्य है फिजिकल वेरिफिकेशन एसिड्स का अभी पीछे ही क्वेश्चन में आया चेकिंग वैल्यू ऑफ एसिड्स यानी वैल्यूशन करना एसिड्स की कितने कौन सा एसिड कितने रुपए का है बिल्डिंग कितने की है मशीनरी कितने की है एग्जामिन करना ऑथोरिटी ऑफ देयर एक्जेशन यानी जिस टाइम उन्होंने एक्वायर किया है तो उसकी ऑथोरिटी थी या नहीं थी उसके पावर में था वो एसिड या नहीं था या जो भी चीज़ है तो यहाँ पे एग्जामिन करना तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं नेक्स्ट है मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ और कन्फर्मेशन यानी वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रूफ करना ट्रूथ को यानी सच को या कन्फर्मेशन को प्रूफ करने का काम जो है वो वेरिफिकेशन का के अंदर अंतर्गत आता है स्टॉक्स शुड बी वैल्यूड एट स्टॉक्स जो है वैल्यू किए जाते हैं कॉस्ट मार्केट है मार्केट प्राइस और जो भी इसमें से कम होगा यानी कॉस्ट की प्राइस कॉस्ट प्राइस पचास हज़ार है मार्केट प्राइस चालीस हज़ार है तो, तो चालीस हज़ार पे स्टॉक uh, जो है वो वैल्यू किया जाएगा यानी कम पे करा जाता है वैल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज बेस्ड ऑन दंसेप्ट तो वैल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट्स जो है किस कंसेप्ट पर चलता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जैसे कंजर्वेशन मनी मेजरमेंट एस्पेक्ट इस तरीके से होते हैं और कंसिस्टेंसी ठीक है तो यहां पर मैंने सारी की सारी वीडियो सेपरेट वीडियोज बना रखी इन टॉपिक्स पर दोबारा से बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो तो यहां पे फिक्स एसेट्स की वैल्यूशन की जाती है गोइंग कंसर्न कन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि भैया बिजनेस चलता रहेगा ठीक है रुकने वाला नहीं है नियर फ्यूचर में वैल्यूशन का मतलब क्या होता है चेकिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू चेक करना एसेट्स की फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट फिक्स एसेट्स हमेशा वैल्यू किए जाते हैं किस पे वैल्यू किए जाते हैं कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि फिक्स एसेट्स वैल्यू कर दिए सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस पर ना डेप्रिसिएशन हर साल क्या है कोई ना कोई फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट होता रहता है तो उसकी डेप्रिसिएशन कम वैल्यू कम करनी पड़ती है उसकी कॉस्ट uh, प्राइस में से फ्लोटिंग एसिड्स आर वैल्यूड एट देखिए फ्लोटिंग एसिड जितने भी फ्लोटिंग एसड्स हैं वो वैल्यू किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम है यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम है उस पर फ्लोटिंग एसिड्स क्या होंगे वैल्यू किए जाएंगे जैसे ही फिक्स्ड एसेट्स होता है तो सेम है बिल्कुल कोई अलग चीज़ नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद दी हेल्प ऑफ जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं आउटस्टैंडिंग जैसे कि मतलब सैलरी आपको देनी थी किसी पर्सन को आपने नहीं दी है तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है क्रिएट हो जाती है और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो आउटस्टैंडिंग खर्चा माना जाता है ठीक है शुड बी वेरीफाइड विद दी हेल्प ऑफ जनरल प्रॉपर की हेल्प से ही आप ऐसे खर्चों को वेरीफाइड कर सकते हैं तो जनरल प्रॉपर इसका सही जवाब है नेक्स्ट है चार्जिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिजल्ट इन तो देखिए जब आप ज़्यादा से ज्यादा प्रोविजन चार्ज करते रहेंगे किसी डेप्रिसिएशन uh, पर तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा तो प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर आप ज्यादा लगाएंगे एक्सेसिव लगाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा कैपिटल प्रॉफिट इंप्लाई प्रॉफिट अर्न तो देखो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं जब आप कोई फिक्सेस बेच रहे हैं तो जब भी आप कोई फिक्सेस आप बेच रहे हैं तो वो क्या फिक्स कितने लंबे समय के लिए होता है और कैपिटल गेंस भी लंबे समय के लिए माना जाता है तो फिक्स एक्सेस जब आप कोई बेचते हैं तो आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट नेक्स्ट है अ कंपनी ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड शुड बी पेड देखिए कंपनी ऑडिटर है वो देखता है कि डिविडेंड जो है पे किया जाए वो किस में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद पे किया जाए वरना अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले पे किया जाएगा तो वो ठीक चीज़ नहीं होती है वो गलत चीज़ है लीगल लीगली गलत चीज़ मानी जाती है तो डेप्रिसिएशन के चार्ज कर लिया हक, उसके बाद ही वो देख डिविडेंड देने के हकदार होते हैं कंपनी वाले नेक्स्ट द एसेट्स विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर जो एसिड्स अराइज हो भी सकते हैं नहीं भी अराइज हो सकते हैं उनको कंटिजेंट एसेट्स कहा जाता है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक जय हिंद और जय भारत माई फ्रेंड्स